बस वो एक शेर याद आ जाता है कि मैं तो यूँ ही चलाता जानब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया आज मैं शहीद बाज़ोहम्मत काकड़ फाउंडेशन लाइब्रेरी में आया हूँ आज तो मैं सिर्फ लाइब्रेरी देखने के लिए आया था पर जब मैं यहाँ पे आया यहाँ पे इतना खूबसूरत किताबों का मेला या बुक फेयर लगा हुआ है कि जिसको देख के जो है ना वो बंदे को बड़ी खुशी और बड़े बड़ा अच्छा लगता है मुख्तलिफ किस्म के जो बुक्स है हर किस्म की हर कैटेगरी की वो यहाँ पर पड़ी हुई है और मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह इतना हुजूम है इतना रश है मुझे लोगों के अंदर ये जज्बा देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अगर इस तरह की खूबसूरत लाइब्रेरी होंगी इतना अच्छा इन्वामेंट होगा हमारे बच्चे जिस तरह इन्होंने हमें बताया कि 200 प्लस बच्चे यहाँ पे शाम को रीडिंग करते हैं इस तरह का एन्वामेंट हर गली हर मोहल्ले में कोयटा के और बलूचस्तान के हर कोने में हो मेरे ख्याल में हमारे आवाम में एक बड़ी तब्दीली आएगी वन आई टॉक अबाउट तब्दीली आई डू नॉट मीन तब्दीली जो कि एजुकेशन में आ जाए मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ जो तरबियत इन लाइब्रेरीज़ में होगी वो किसी जगह नहीं होगी मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई है मेरी दुआ है कि बाज शहीद बाज़ात काकड़ फाउंडेशन और इस तरह की और लाइब्रेज़ जो पूरे बलोचिस्तान में पूरे पाकिस्तान पर और कोयटा में ऑपरेट रही है अल्लाह करे कि वो दिन दिखनी रात छुगनी तरक्की कल ही मैं किसी से ये बात कर रहा था मैंने कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमसे हर चीजें बहुत आगे है आज भी अगर आप एयरपोर्ट्स में दायब आएँ उनको देखेंगे तो वो आ, नेट देखने के बजाय उनके पास अपनी बुक्स होंगे जो बुक रीडिंग वो करते रहेंगे इसका मतलब ये है कि जो बुक आप बुक में आपकी बुक रीडिंग होती है जो एजेशन होती है वही चीज़ शायद आपको आ, सेल फोन या शायद आपको लैपटॉप में ना हो बट स्टिल लोगों का अपना तरीक़ाकार है कोई अगर कम्फर्टेबल फ़ील करता है लैपटॉप में पढ़ने का उससे पढ़े जो बुक से बेहतर पढ़ता है तो यहाँ पढ़े बट इट्स नॉट अबाउट द बुक ओनली इट्स अबाउट द एवर्यरमेंट विच यू गेट जो आप यहाँ पे अनवायरमेंट आपका होगा जो आप पढ़े लिखे लोगों में बैठेंगे उससे आपकी तालीम के साथ साथ तरबियत भी होगी क्या मतलब किला किला अब्दुल्ला किला अब्दुल्ला जैसे इलाके से आपका क्या मुराद है किला अब्दुल्ला में हमारे बड़े बाशूर लोग रहते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं इस इसमेंट को इस कल्चर को लाइब्रेरी कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है इन पशी हमने पशीन में लाइब्रेरी बनाई जब हम कोयटा में सरियाब में एक लाइब्रेरी बन रही कुछ लाख में एक लाइब्रेरी बन रही है ये मैं जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज के अलावा है लोअ कारीज की लाइब्रेरी थी सरयाब में वहाँ पे हमने सपोर्ट उनको किया सिरकी रोड की लाइब्रेरी को सपोर्ट किया अल्लाह नेचाज शहीद वाजोत काकर लाइब्रेरी को हम स्पॉन्सर करेंगे सपोर्ट करेंगे इस कल्चर को हमने प्रमोट करना है उसको गवादर से लेकर शेराली तक हर जगह करना है जैसे आप सबको पता है कि ये जाम कड़े ये इसका नाम है शुदाय आठ अगस्त पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी चार साल पहले जो वाक़ा हुआ था दहशत का जिसमें हमारे सत्तर बाई शहीद हुए उनके नाम पर यह शठ अगस्त लाइब्रेरी बनाई है अंडर द बनर ऑफ शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ फाउंडेशन और शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ मेनली एजुकेशन पे एजुकेशन में खास कर लाइब्रेरीज़ पे काम कर रहा है तो इसी वजह से आज आप प्रोटिकली देख रहे हैं ग्राउंड पे मौजूद है लाइब्रेरी इसमें कंप्यूटर है इंटरनेट है बुक्स है बच्चे आ रहे पढ़ रहे हैं ख़वान आ रही है बच्चे आ रहे हैं न और इसी के साथ साथ आपको जैसे मालूम है कि शहीद फाउंडेशन ने पिछले चार साल में अवेयरनेस सेमिनार सेशन खुददार जो कोयटा मुख्तलिफ़ों में किए थे ताकि लोगों को किताबों की तरफ लाइब्रेरी की तरफ रागब कर सके अल्हम्दुलिल्लाह उस अवेयरनेस के बाद तीन चार साल के मेहनत के बाद अल्लाह की मेहरबानी से आप मीडिया सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट लोगों के ताउन से पिछले दो साल में ग्वादिर से ले के तक पब्लिक लेवल प्राइवेट लेवल पे कम्युनिटी ने मिल के वहाँ पे एक कमरा लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया पंद्रह बीस बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं और ये काम अगरचे मतलब कम है बुलुस्तान में कोटा में कम से कम सात सौ लाइब्रेरी की ज़रूरत है मगर वो सुकरात कहते हैं ना कि मेरा काम आपको समझाना नहीं है मेरा काम है आपको सोचने पर आमादा करना हमने अपने जवानों को अपने बहनीों को अपने बेटियों को इस तरफ रागब करना है किताब किताब दोस्ती लाइब्रेरीज़ फिर जाके कहीं हम एक बवकार कोमो के सिर्फ में खड़ा हो सकते हैं कोयटा में फ़र्स्ट टाइम हम इस तरह देख रहे हैं कि शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ साहब की लाइब्रेरी कोई चार चार साल से डॉक्टर लाल मोहम्मद काकड़ साहब और इनके सारे बलिस्तान से जो कोयटा से मेंबर्स हैं साथ उनका बहुत शुक्रिया कि बलुचिस्तान और स्पेशली कोटा में पूरे बुलिस्तान में इस वक्त ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि कोई बीस लाइब्रेरी बनाई गई है मुख्तलफ़ डिस्ट्रिक्स में से इसका सिरा जो है वो यहाँ बाज़ महमद काकर फाउंडेशन को जाता है कि उसने एक अवेयरनेस पूरे बलुस्तान में ऐसे वो माहौल बनाया कि लोग आज कल लाइब्रेरियाँ हर डिस्टिक में बना रहे हैं तो इनका बहुत शुक्रिया हम सारे बलुस्तान आर्टिस्ट की तरफ से इन लोगों ने हमें इन्वाइट किया और हम आए और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ कोटा में एक ऐसे प्राइवेट में एक ऐसा माहौल है स्टूडेंट्स के लिए नए बच्चों के लिए कि वो यहाँ आके पढ़े और पूरे दुनिया में बताए कि हम यहाँ पढ़ने लिखने यहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है उससे अलग सारी दुनिया अब किताबों की तरफ जा रही है हमारे स्टूडेंट्स किताबों की तरफ जा रही है गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ों को प्रमोट करें और उनके लिए अलग अलग लाइब्रेरियाँ सरकारी भी बनाए और इनका भी हेल्प करे कि वो आगे बुलिस्तान में जितने और डिस्ट्रिक्स है और उसमें भी बाज़ काकर शहीद के फ़ाउंडेशन के और लाइब्रेरी बने मेरे लिए आज बड़े ऑनर की और ख़ुशी की बात यह है कि बाज़ काकर काकड़ शहीद मेरे यूनिवर्सिटी फैलो भी रहे हैं और उस जैसा शख्स उस जैसा इंसान उस जैसी हस्ती आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी और ये उनकी मतलब आला ज़रफी है उनका एक बड़ापन था कि आज आ, उनका नाम जो जिंदा है हमारे माशरे में ये उनका अपना ज़र्फ था ये उनकी अपनी नीयत थी ये उनकी अपनी शख्सियत थी और मोहम्मद शहीद जैसे लोग आ, बहुत कम पाए जाते हैं और उनका इस जो ख़ला है उसको पुर नहीं किया जा सकता और अब हम आते हैं आ, प्रोफेसर डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब की तरफ जो उनके बड़े भाई हैं और जो इनिशिएटिव उन्होंने बाज़ मोहम्मद शहीद के शहादत के बाद लिया है और उनके आप एज़ाज़ कह लें या उनकी याद में जो उन्होंने एक बहुत आला पाए का काम किया है वो है लाइब्रेरी और लाइब्रेरी जिस तरह उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की है और यहाँ पर जिस तरह लोग मुस्तफ़ हो रहे हैं लाइब्रेरियों से पढ़ाई से ये आजकल ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है कि जी लोग मोबाइल्स में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किताबों की तरफ रुझान कम हो गया है लेकिन इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है और जिस तरह इन्होंने बुक्स अवेलेबल की हैं जिस तरह बाज़मा शहीद के लिए इन्होंने लाइब्रेरी कायम की है और जिस तरह लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ख़दमत है ये बहुत बड़ी ख़दमत है अल्लाह इनको अजर देगा और ये बाज़ मोहम्मद शहीद के रूह रू के सवाब के लिए सदका जारिया मैं कहूँगा और मेरी हुकूमत वक्त से ये अल्तजा है ये गुजारिश है कि इस काम में इस कार खैर में डॉक्टर लाल मोहम्मद साहब की भरपूर रहनुमाई और मदद करें उनको हुकूमत की तरफ से आ, अपनी सरपरस्ती में लें ताकि वो बाज़ मोहम्मद शहीद फ़ाउंडेशन को पूरे सूबे में फैला सकें और इस तरह की लाइब्रेरियाँ दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं जो पसमानदा हैं उसमें ये तो इनिशिएटिव ले रहे हैं लेकिन हुकूमत से मेरी दरखास्त है कि वो डॉक्टर लाल मोहम्मद काकड़ को भरपूर तरीके से सपोर्ट करें ताकि हमारे हमारे माशरे में जो भी लोग जो इल्म के शौकीन हैं जो पढ़ाई के शौकीन हैं वो इन लाइब्रेरियों से भरपूर इस्तः हासिल करें देखें सबसे पहले तो मैं शहीद बाज़ मोहम्मद काकड़ जो फाउंडेशन है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कदम उठाया है न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि कोयटा शहर से बाहर भी मुख्तलिफ डिक्स में ये एक बहुत बड़ा काम है और बुक्स के हवाले से अभी एक ऐसी अवेयरनेस हमें नज़र आ रही है हमारे बलोचस्तान में खास तौर पर और बाकी प्रोवेंस में भी है लेकिन हमारे बलोचस्तान में ख़ासतौर पर एक नज़र आ रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल्स को आ, कि वो एक आ, बुक रीडिंग कंपटीशन जो है वो बच्चों के दरमियान रखें ताकि और फिर उनके लिए एक लाइब्रेरी क्योंकि स्कूल्स में जिस स्कूल से मैं पढ़ाऊँ कोयटा में उसकी तो बाकायदा लाइब्रेरी हुआ करती थी लेकिन आजकल जो छोटे छोटे घरों में या फ्लैट्स में जो स्कूल्स वग़ैरह कायम हैं माफ़ी के साथ वो तो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड हैं वो सिर्फ उन्होंने पैसा बनाना होता है लेकिन जो बड़े इस्टेबलिश्ड स्कूल हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनकी लाइब्रेरी में बल्कि हम चाहेंगे कि हम आपके कैमरे के साथ जाके वहाँ पर विज़िट भी करें यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के दरम्या एक एक कंपटीशन जो है स्टोरी टेलिंग का या स्टोरी जो जो स्टोरी बुक्स होती है उनके पढ़ने का ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने का एक एक उजागर हो उनके अंदर एक शूर पैदा हो कि नहीं हमने पढ़ना भी है और उसमें अगर एक बच्चों के लिए हम एक अच्छा एक वो रखेंगे क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़े से लालची हो गए हैं बच्चे तो वो इनाम की तरफ ज़रूर देखते हैं वो देखते हैं कि अच्छा जी इनाम क्या मिलेगा तो उनके लिए अगर एक सटन इनाम हों तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और उसमें पढ़ने का एक रुझान भी पैदा होगा बाकी मेरी उम्र के या मुझसे बड़ी उम्र के हैं वो उनके लिए भी माशाला से ये लाइब्रेरियाँ जिनमें इस तरह की बुक्स हैं कि वो पढ़ी जा सकती हैं तो मेरी यही गुजारिश है आ, कि गवर्नमेंट्स गौ, को चाहे वो प्रोविशल गवर्नमेंट हो चाहे वो मरकजी हुकूमत हो आ, उनसे मेरी गुजारिश है कि शहीद बाज़ महम्मद काकड़ फाउंडेशन जैसे जितने भी फाउंडेशनस हैं जो कि फ़लाह का काम कर रहे हैं फ़लाही काम कर रहे हैं एक अच्छाई जो है एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करनी चाहिए और मैं और मेरे यहाँ पे जितने मेरे साथी हैं जो रुफ़का हैं जो हम आर्ट से कल्चर से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि ये एक ऐसा अवेयरनेस हो ये एक ऐसा मैसेज हो जो कि बाकी लोगों तक जाए कि हमें भरपूर अंदाज़ में सपोर्ट करनी चाहिए